Now, second question of the answer in detail of Chapter 1, Heritage of India. Explain the meaning of culture and give its detail. अब ये क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग कल्चर को डीप में स्टडी करने वाले हैं और उसके हम लोग डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल आंसर. नाउ कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ. कल्चर का मतलब क्या होता है? जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जीते हैं. नंबर वन, इट इज मोल्ड बाय द चेंज that occur in public life, social rule and regulation of the society. अब ये कल्चर आपका किससे बना हुआ है? हमारी जो डेली लाइफ होती है, हमारे जो सामाजिक रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं हमारी सोसाइटी के. नंबर सेकेंड, वी हैव डिफरेंट कल्चर एज द नेचर ऑफ पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफर फ्रॉम द सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब अगर देखा जाए हमारे अलग अलग कल्चर हैं, नेचर को लेके, जो लोगों की जो जिंदगी है, सामाजिक जो कानून हैं और जो कायदे हैं. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे उनके कल्चर्स भी बदलते हैं टाइम टू टाइम, वक्त के साथ में. नंबर थर्ड, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड आइडल्स लीडिंग ह्यूमन बींग टू द हायर लेवल. कल्चर क्या है? कल्चर वो सारे, कल्चर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले हैबिट यानी आदतें, वैल्यूज, वैल्यूज यानी सिद्धांत, कस्टम्स, कस्टम्स यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशन यानी रिवाजें, एंड आइडल्स, आइडल्स मतलब यानी जिनकी हम लोग पूजा करते हैं. और इस तरह के ऐसी चीज़ों से जो इंसान जो होता है अपने कल्चर, वो एक जो उसका ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो ऊंचे लेवल पे आ जाता है. नंबर फोर्थ, कल्चर डिनोट्स द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम केव टू द हाउस, फ्रॉम स्टोन एज टू द प्रेजेंट टाइम. अब कल्चर क्या है? कल्चर ये भी हमें बता देगा, एहसास दिलाता है कि इंसान की जो तरक्की है, इंसान पहले जो गुफा में रहता था आज वो घर में रह रहा है, ये इंसान की डेवलपमेंट है. लेकिन कल्चर वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब स्टोन एज से लेके आज के टाइम से लेके. नंबर फिफ्थ, कल्चर डिनोट्स एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट दैट ट्रेस द लेवल ऑफ ह्यूमन बींग. कल्चर ये भी हमें बताता है कि जिस तरह से एजुकेशन, पढ़ाई, लिटरेचर, जो भी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, म्यूजिक, संगीत, डांस, नृत्य, स्कल्पचर, मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ, पेंटिंग, जो भी हाथ से पेंट किया जाता है, और जो भी दूसरे जो आर्ट के जो अलग अलग जो उनके फॉर्म हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का जो जीने का जो लेवल है वो और भी ऊंचा हो जाता है. यानी एक अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिकली तरीके से हम रहने लगते हैं. कल्चर ऑल्सो डिनोट्स इंटेलेक्ट, थिंकिंग प्रोसेस, स्किल्स एंड वैल्यू. अब कल्चर यहाँ पे जो है वो भी क्या करता है? इंटेलेक्ट यानी जो हमारे सोचने का जो तरीका है, ठीक है, हमारे जो भी हुनर हैं और जो भी हमारे सिद्धांत हैं उनको भी वो मॉडिफाइड यानी अच्छे से सामने प्रेजेंट करता है. कल्चर इज मोल्डिंग ऑफ माइंड दैट लीड टू क्रिएटिव वर्क सच एज एजुकेशन, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, फाइन आर्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिहेवियर पैटर्न. कल्चर क्या करता है? कल्चर भी हमारे दिमाग के अंदर बदलाव लाता है, एक ढांचा क्रिएट करता है जिसकी वजह से हम एक क्रिएटिव, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं. अब अच्छी ज़िंदगी हम किस तरह से जी सकते हैं? एजुकेशन को अपना के, लिटरेचर को पढ़ के, फिलोसफी, लोगों की सोच को समझ के, धर्म को फॉलो करके, अलग अलग जहाँ पे जो विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं जो हमें सिखाते हैं थॉट यानी सोच के बारे में, अलग अलग
जानकारी, अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग आर्ट्स, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी जो भी हम लोग पैसा कमाने के लिए जो भी काम करते हैं, और साथ साथ में लोगों से किस तरह से हमें बर्ताव बिहेव करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, कल्चर डिनोट्स द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल विच डिफर फ्रॉम द सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दस वी हैव डिस्टिंक इंडियन कल्चर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। अब कल्चर हमें क्या सिखाता है? एक जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है जो हमें, हमारा कल्चर दूसरे समाज के लोगों से हमें अलग करता है। समय समय पे देखा, समय समय पे कल्चर के अंदर बदलाव आते जाते हैं, यानी वही कल्चर क्या हो जाता है, अपडेट होता जाता है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान का, हमारा जो भारत का जो कल्चर है, वो दुनिया के सभी कल्चरों से एकदम अलग है। डिस्टिंक्ट यानी बहुत ही ज़्यादा उम्दा है।